हाँ जी, दूजा दिन रामबाण श्रीनगर में जा रहे हैं। तो कुछ साढ़े साथी हजे होटल के उपर पासे आ कि थले लॉक पा मतलब मेन गेट कंधा टप के आ जाओ परले पासे। ओ भाजी लॉक लगे अंदर इन्हों का आज थले जिंदा लगे दे आज जिंदा लगे आ उपर उपर खड़े आओ छाल मारो थले आ जाओ आ जाओ। कश्मीर का ये रामबन शहर वसया आ चनाब के किनारे। ये चनाब आ मोरे जी पाक कश्मीर तो सीधी पाकिस्तान चल जाती है और ये है चनाब। सवेर का टाइम आ तो बदलवाई आ जी कल की तरह अज ही पूरी बदलवाई आ ये मौसम ठंडा है जी। दूजा दिन तो असी रामबाण तो इस होटल च रुके सी होटल रामबाण रेजेंसी में समान पैक हो रहा है लद हो रहा है 7 बजे हजे तो यह सारा रामबाण ये हाईवे है जम्मू श्रीनगर हाईवे और सामने जो उपर तुम ब्रिज बन रहा देख रहे हैं यह बना रहे हाईवे आ बारों बार कढ़ना रामबाण तो ताकि इतों ट्रैफिक घट हो सके तो वह सारा रामबाण तो चल चुके हैं तो ये नाल साडे चनाब दरिया नाल जाएगा अगे तक श्रीनगर तक। सवेर के 7:30 होए आ तो टाइम ना तुर पे हाँ अज भी सफर साडा लंबा आ तो श्रीनगर टप के सोनमर्ग राही होंगे हुए जोजला पास उस तो बाद द्रास ज कारगिल रुकेंगे देखते अच्छ कि सफर तय करते हैं। असी रामबाण तो जा रहे हैं काजीगुंड वल तो समा हजे 7:15 हो टनल वो रास्ते जा रहे हैं तो यह एक होर टनल खड़ा पत्थर है ये बंद कर भाई मिट्टी आ रही अंदर असी पहुँच चुके हैं हुण बनिहाल। बनिहाल शहर में ही गुजर रहे हैं तो समा हो गया 9 बज गए मतलब 1.5 घंटे में असी पहुँचे हाँ रामबाण तो बनिहाल जिदा आप सुनते हैं कि बनिहाल तो जो बनिहाल तो आप अगे जाने तो बिल्कुल ही चेंज हो जाती ब्यूटी आ देखो अगे उच्चे उच्चे पहाड़ धुंद बदल सवा 9 का टाइम असी खड़े हैं बनिहाल लक्की वैष्णो ढाबा काका पंजाबी ढाबा सवेर का ब्रेकफास्ट करने ब्रेकफास्ट करके फिर आप चलेंगे अगे श्रीनगर वाल है रफीक मुस्लिम होटल नाल ही है लक्की वैष्णो ढाबा गुरु साहबान दियाँ तस्वीर नाल माता दियाँ ते कहने का मतलब है कि जेडे असी कश्मीर तो बाहर स्टेटा वाले लोग असी बहुत कुछ देखते हैं कि हाए कश्मीर चाह हो गया वह हो गया हिंदू मुस्लिम वाला चल रहा है ना तो देखो इतने तो कुछ नहीं है इतने शांति है और बड़े वधिया रल मिल के काम चला रहे सारे अपना तो ये चीज़ा इतने आके ही पता लगदी हैं शांति है जी पूरी। ब्रेकफास्ट करके 10 बजे असं हम चल चुके हैं बनिहाल तो श्रीनगर नूं और बनिहाल तो बाद थानू दिखाने असली कश्मीर की ब्यूटी जी फिल्म देख रहे असी हुण एंटर हो चले बनिहाल काजीगुंड टनल नहीं जी ये बनिहाल काजीगुंड टनल है जी उस एंटर कर लगे
ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਆ ਇਹਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਲਮਾਰਗ 126 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 70 ਸੋਨਮਾਰਗ 152 ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਆਉਂਦਾ ਰਾਈਟ ਇੱਧਰੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ 62 ਇੱਛਾਵਲ 38 ਕੁੱਕਰਨਾਗ 45 ਬੈਰੀਨਾਗ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆ ਸਾਡੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਨਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਨੀ ਸਭ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੰਪੋਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕੇਸਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕੇਸਰ ਦੇ ਕੁਛ ਖੇਤ ਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਰੋਡ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਡਲ ਲੇਕ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਲ ਲੇਕ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਡਲ ਲੇਕ ਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਡਲ ਲੇਕ ਨਿੱਜੀਗਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਡਲ ਲੇਕ ਤੇ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਡਲ ਲੇਕ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹ ਡਲ ਲੇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਪਰ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਆ ਜੂਨ ਦੀ 2 ਤਰੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਟ ਹਾਊਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਰਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਜੈਨੂਅਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਰਾਈਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਕੇ ਵੈਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰ ਰੇਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਚਲੋ 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 ਹਾਂ ਬਾਈ ਡਲ ਲੇਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਰਾਈਡਿੰਗ ਉਹ ਹਲਾਓ ਨਾ ਯਾਰ ਆ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹ ਘੁੰਮਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਥੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਡਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਈ ਹੈ
नजारे लग गए फिर डल लेक दे तारीफ करो क्या उनकी जिसने तुम्हें बनाया डल लेक दी शिकारा विच राइडिंग और मेरे साथी है इस विच देखो भाई ये चार साथी नाल पांच अलाउड है एक विच सिर्फ हाँ भाई कुछ खाना है वो नाल आ गया आ देखो साढ़े को चाह पीनी बस यही डल है कैमरा फड़ के रख ली चंगी तरह हाँ जी अच्छा की बना रहे कावा कावा साथियों ने पीने लई बुक कर लिया ते की बारे कावे विच आ कि नाल ड्राई फ्रूट अच्छा लिक्विड या ड्राई फ्रूट बारे विच मिक्स मिक्सर बनाया हुआ ड्राई फ्रूट का वो नाल और ये साडा शिकारा जिहदे विच असीं राइड कर रहे हैं हसन पैलेस डिलक्स ए साथी पूरा इंजॉय करते हुए राइड का करने बाद असी हुण रुक जो सिरे लग लैण तो डल लेक का सफर पूरा करके बाकी घुमांगे कश्मीर श्रीनगर ये आ साडा अराइविंग पॉइंट फिनिशिंग पॉइंट आ जाओ साथियों हो गया टाइम पूरा आ जाओ निकल बार बाद चो मुकरना नहीं गा आइला इन्नी वीडियो बनाई है लगभग डेढ़ घंटा डल झील के बिताने तो बाद असं हम जा रहे हैं सोनमर्ग वाल पर रास्ते च गार्डन आया मुगल गार्डन आना आप देख के जावे डल लेक बहुत वधिया लग्या डल लेक दी सैर कर असीं हुण जा रहे हैं मुगल गार्डन लई ते मुगल गार्डन इत्थों 2 किलोमीटर अगे आ असीं हुण डल लेक दे नाल नाल जा रहे हैं क्योंकि डल लेक बहुत लंबी चौड़ी आ इहदे आले दुआले पूरा श्रीनगर लगभग वसिया होया फिर समा इदां दा होया जदों परछावा पिया ओहदे पैरां ते नूं पिया हाँ जी असीं पहुँच चुके हाँ मुगल गार्डन शांत गार्डन भी कहते देखते हैं फिर मूल गार्डन सब तो पहला टिकट लेने टिकट है जी अडल्ट की 24 रुपए बच्चे की 12 रुपए है लिखा 24 रुपए चलो टिकट ले लिया चलो आ जाओ भाई आ जाओ एंट्री करो जल्दी टाइम नहीं खराब करो टिकट ले लिया हाँ हाँ टिकट ले ली आओ आ गई वो कहते ठीक है गिण के अंदर बाड़ते हैं आ देखो जी पहली झलक मुगल गार्डन की क्या बात है और बहुत ही ज्यादा मतलब एरिया फैलिया हुआ है देखो ऐसे अगे क्यों जाई जाना
ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਪੈਰ ਆ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਮੁਗਲ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਗਾਰਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਅੱਜ ਰੌਣਕ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ इस बाग की ब्यूटी भी यही है कि ना पहाड़ी ने एक तो पैरों फसया हुआ है और इधर लग रहा पहाड़ी वालों जा रहे हैं बिल्कुल पहाड़ी साढ़े कोल है असल पहाड़ी बहुत दूर है और वो पैरों तक ही पार्क जाती है इन्हें घूमने लिए काफ़ी समय चाहिए आराम ना घूमया जाना इस बाग में कई तरह के पेड़ पौधे देखो अलग अलग वैरायटियां फुल भी आपको बाग देख ले हर तरह के फुल बूटे मिलोगे तो ता करके ये खासियत है इस बाग की तो वधिया लगता देखो ये है मुगल गार्डन टॉप व्यू आ मुगल गार्डन का असी काफ़ी पिछे आ चुके हैं हालांकि इस तो भी पिछे काफ़ी है पर देखो इतों सारा व्यू दिखता इतों हम असी वापस जा रहे इस तो एसी मुगल गार्डन तो हूँ असी एग्जिट कर रहे हैं तो चलिए बाहर फिर एग्जिट एग्जिट गेट मुगल गार्डन देख लिया तो हूँ बजे तीन असी जा रहे हैं रोड गार्डन सोनमर्ग तो लगता नहीं इसका टीचा साडा पूरा होगा कारगिल तक का तो हूँ तो असं सोच रहे भी सोनमर्ग रुका शाम सोनमर्ग हम देखो अगे हम मेन शुरू हो सोनमर्ग इतों 55 किलोमीटर दूर है गया तो हम जो सामने तुम पहाड़ियाँ देख रहे सारे सोनमर्ग वाली हैं और श्रीनगर तो बाद सोनमर्ग की खूबसूरती साढ़े सजे हथ सिंध दरिया आ जरा चल रहा है तो ये सानू नाल यही लेके जाना कि सोनमर्ग तक सवा चार हो गए तो लंच भी नहीं किया अभी तो आप आए हैं राजा ढाबा से इतों सोनमर्ग 30 किलोमीटर दूर है तो सिंध दरिया नाल बह रहा लंच करके फिर चलते अगे सिंध दरिया जिस ढाबे से रुके हाँ वो बिल्कुल बह रहा भुख बहुत लगी हुई है 4:30 हो गए बंदे डीकते पे आ उधर देखी जाते बार बार किचन वालों के लिया कुछ तो नाल सिंध दरिया की ठंडी ठंडी हवा जी खा पी के तसली करके तो हूँ असी अपने रास्ते चल पे हाँ सामने सोनमर्ग जो इतों 25-26 किलोमीटर दूर है तो अद्धी रात सोनमर्ग लई रिजर्व करती है हाँ जी साढ़े टूर दी पहली सुनो तुम देख रहे हैं बर्फ का पहाड़ तो सोनमर्ग तो सिर्फ 5 किलोमीटर पिछे है 4 किलोमीटर इतने तुम रुक भी सकते हैं सामने तो वाइट वाइट देख रहे हैं चार दीवारी ये भी लकड़ी है सख्त बर्फ रस्सियां ये
आर्मी का माउंटेनिंग ट्रेनिंग वाला हिस्सा आ अज तो नंबर लाए हुए इन्होंने 13, 15, 16, 17 जे नंबर ब्लू कलर के जो देखते हैं ये पहाड़ चढ़ाने की ट्रेनिंग जी इतने सीधा पहाड़ से पहाड़ ट्रेनिंग दी जाती है और बंद हो गया चलो आ रास्ता सी वेलकम टू सोमवार लिखा बहुत फेमस आ मतलब बंद करता इधर गड्डी गड्डी सारिया पहले रूट वो सी हाँ वही मैं वो रूट रह गया ना सोन मार्ग सोने का मार्ग श्रीनगर तो 83 किलोमीटर अगे असी पहुंच चुके हैं सोनमर्ग और सामने जो ग्लेशियर दिख रहे हैं ये है थाजवाश तो शाम का टाइम आ पहले होटल लगे फिर देखते हैं बस जा नहीं हूँ शाम का टाइम क्योंकि नहीं रहा होना उसमें जाने घट्टो घट्ट 1.5 घंटा एक पास जाने लगना है उस ग्लेशियर के को देखते हैं पहला ठंड आ जैकटा पानिया टेंपरेचर इतने 10 डिग्री दस रहा हूँ इस टाइम रात को 5 डिग्री तक पहुँच जाना है शाम के टाइम सोनमर्ग की मार्केट हल्का हल्का मीह पिया पहला जिस कारण सारी जी सड़क आ गिली हुई वा चिक्कड़ होया तो मार्केट है सोनमर्ग की सोनमर्ग ठंड हजे अज 2 जून है और टेंपरेचर 10 डिग्री आ इस टाइम शाम आ हजे रात को तो 5-3 तक पहुँच जाना और देखो ग्लेशियर सामने छोटी जी मार्केट है पर बहुत सोहनी है एवं 500-400 मीटर तक की मार्केट है लंबी जी इस तो बाद आले दुआले हट्टा है फिर होटल वो थोड़े जे महंगे मिलते थे इस करके असं बाजार आए हैं और इतने छोटे छोटे होटल है जिदा देखो आ सोनमर्ग होटल है ये पुछते हैं हम होटल वाले मीह आ गया जी तोड़ के ये आया सोनमर्ग रेजिडेंसी यात्री निवास इस असी कमरा बुक करा लिया अज ही रात उठे हाँ बहर सही सबक सब का टाइम आ बहर देखो मीह पै रहा मोटी मोटी कनी और रात का दृश्य सोनमर्ग का बदलों के बीच सोनमर्ग मेरी छतरी पता नहीं कल्दी किधर कोल ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਕੇ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਯਾਰ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਸੋਨਮਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮਰਗ ਏਜੰਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਤੂੰ ਸੰਗਤਾ ਬੈਠ ਗਈ ਜਾ